नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सहारा रिफंड का जो है पोर्टल लगभग 1.5 महीने पहले शुरू हो चुका है और अभी तक बहुत सारे आवेदकों ने अपना सहारा रिफंड के लिए जो है आवेदन कर दिया है और जो शेष रह गए हैं वह भी निवेशक सहारा रिफंड के लिए जो है अपना आवेदन करते जा रहे हैं। दोस्तों, जिन भी निवेशकों का सहारा का रिफंड होना है उनके पास उनका आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है और उनका आधार कार्ड जो है उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है, मतलब उनके खाते में डीबीटी होना अनिवार्य है। उसके बाद ही सहारा रिफंड का जो है पूरा आवेदन करने का प्रोसेस हो पा रहा है। अब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा हमें कमेंट किया जा रहा है और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा रिफंड में अपना पैसा जमा किया हुआ था और वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का, हमारे व्यूअर्स का जो है तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हम किस प्रकार से उनका आवेदन कर सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को यह बताना चाहता हूं कि अभी सहारा की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट या कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है कि हम उन व्यक्तियों का आवेदन कर सकें जिनकी मृत्यु हो गई है। वैसे सहारा की तरफ से जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई है उनके जो भी नॉमिनी हैं उनका जो है आवेदन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा कोई भी ऑप्शन वेबसाइट में नहीं दिखलाई देता है जिससे कि हम ऐसे व्यक्तियों का आवेदन कर सकें जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अभी इसके लिए हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं। हो सकता है सहारा की तरफ से आगे ऐसे निवेशकों के लिए जो है आवेदन फिर से प्रारंभ कर दिया जाए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो होता रहा है, जब सहारा के ऑफिस खुले होते थे और मान लो किसी निवेशक की मृत्यु हो गई है तो उसमें जो भी उन्होंने अपना नॉमिनी डाला हुआ था वह ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा, लिखा पढ़ी के द्वारा जो है उस नॉमिनी को, उस निवेशक का जो भी धनराशि और उसका ब्याज होता था वह प्रदान कर दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा कोई भी सहारा की तरफ से विकल्प इस वेबसाइट में अभी नहीं जोड़ा गया है जिससे कि हम उन निवेशकों का आवेदन कर सकें जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को यह कहना चाहता हूं कि अभी आप इंतजार करें, जैसे ही सहारा की तरफ से कोई नई जानकारी आती है, कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से यह वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।